फिरोजाबाद के राजाताल स्थित एक कांच फैक्ट्री में मजदूर की कार्य करते समय मौत हो गई, जिससे फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। मजदूरों ने अपने साथी की मौत पर जमकर हंगामा काटा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। घटना राजा के ताल स्थित एक कांच फैक्ट्री है, जहां एक मजदूर की काम करते समय अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। अपने साथी की मौत पर अन्य मजदूरों ने उसका शव रखकर हंगामा खड़ा कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पर सीओ टूंडला, सीओ सिटी फिरोजाबाद व एसएचओ टूंडला मौके पर पहुंचे और मजदूरों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मृतक के शव को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लाई है। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग भी की है। हेक्स न्यूज के लिए राजा यादव की रिपोर्ट। इसराइल, अच्छा ये मजदूर कैसे मौत हुई इनकी? ये कारखाने के अंदर ही खत्म हुए हैं, कारखाने के अंदर मरे हैं। आप जी नहीं कह सकते कैसे मरे हैं, मरे कारखाने के अंदर। आप क्या चाहते हैं? आप जी चाहते हैं कि इनको इसका मुआवजा मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। पुलिस भगा रही है, पुलिस जाम फाम लगाया था क्या? नहीं, जाम फाम कुछ नहीं लगाया, इन कारखाने में से गाड़ी बाहर भगा दी। मेरा नाम शोएब है। शोएब, क्या मामला है? ये मतलब ये हमारे घर के सामने रहती है, जब खबर आई हमें तो हम इनके पास आए, तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा देखा कि पुलिस वालों को जब बोला गया तो ये मतलब यहाँ पर भगाने लगे सबको। एक साहब इसमें ये बोल रहे थे उसमें कि क्या ड्रामा रखा, ड्रामा कर रहे हो, क्या ड्रामा कर रहे हो ये इस तरीके का। कैसे मौत हुई मतलब क्या लगा? ये बॉडी मतलब अंदर अंदर काम करते में मौत हुई, काम करते में हुआ सब ये, काम करते में मौत। क्या चाहते हैं जी? मतलब जो मुआवजा इनके छोटे छोटे बहुत बच्चे कोई आगे पीछे नहीं है, तब तक इनकी सुनवाई हो किसी तरीके से, लेकिन कुछ नहीं जैसा दिख रहा। बॉडी भी लेगा ऐसे उसने पोस्टमार्टम के लिए क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जावेद, क्या मामला क्या हुआ है? मामला यही है कि ये मजदूर आदमी है। अब कारखाने में आदमी पर डे आदमी 250 रुपए 300 रुपए का काम करता है। प्रशासन किस लिए मौजूद की जाती है, प्रशासन को किस लिए रखा जाता है? इसलिए कि वो आवाम की हेल्प करे, मदद करे। जनता की जब मदद ही नहीं हो पाएगी प्रशासन के थ्रू या केंद्र सरकार के थ्रू या किसी भी नेता या मंत्री के थ्रू, तो फिर हमारा जीने का फिर यहाँ पर फिर मामला ही क्या, फिर तो जीना ही बेकार है। अभी जब एक गरीब आदमी का एक उसका वो ख़त्म हो गया, उसका इंतकाल हो गया, जब उस आदमी की डेथ हो गई, तो अब हमारा क्या काम होना चाहिए प्रशासन का कि उसकी हम हेल्प करें? हेल्प तो की नहीं, बल्कि वहां पर जाकर के जो उसकी बॉडी रखी हुई थी गाड़ी पर, उस गाड़ी को भी बाकायदा हटवा दिया गया। और ये साबित करना चाह रहे हैं कि साहब हमारी कोई यहाँ पर हेल्प होनी नहीं है। हम किस कारखानेदार से लड़ने जाएंगे आप बताएं? गरीब आदमी क्या पैसे वाले से लड़ सकता है? अब प्रशासन ही हमारी हेल्प नहीं करने पर आमादा, तो हम किससे जाकर के अपने जो है दुखड़ा रहे? विधायक जी के पास फोन किया, विधायक जी ने ये कह दिया कि साहब आप जो है वो टेक्निकल जो गिलास के कारखाने के जो मालिक हैं आप उनसे डायरेक्टली बात करें। अब इनडायरेक्ट क्या, डायरेक्ट क्या, हम क्या समझे? डायरेक्ट भी बात नहीं हो सकती, ना इनडायरेक्ट बात हो सकती हमारी। जो इनडायरेक्ट हमारी हेल्प करने वाली जो प्रशासन है, जिनके थ्रू हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिनके थ्रू हम वहाँ तक जा सकते हैं उनसे मुलाकात बात करने के लिए, वही हेल्प नहीं कर रही हमारी। अब हम किससे जाकर के अपना दुखड़ा रहे? ये हम आपसे बस हेल्प करना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। रहने वाले थे ये कश्मीरी।